नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एक शानदार स्कीम के बारे में। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड है। पिछले कई साल से यह फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीते 5 साल में इस फंड ने निवेशकों का पैसा 4 गुना से ज्यादा कर दिया है। यानी 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश की वैल्यू आज 4 लाख रुपए से ज्यादा है। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा कर रही है और कोरोना महामारी के बाद इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। इससे भारतीय टेक कंपनियां मजबूत ग्रोथ कर रही है। इस लिहाज से आने वाले समय में भी टेक फंड्स की परफॉर्मेंस बेहतर रहने की उम्मीद है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, टेक फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए हर महीने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने लगे तो यह स्कीम आपको कितने समय में कितना प्रॉफिट दे सकती है। दोस्तों, अगर इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है 28.02% और पिछले 5 साल का रिटर्न है 35.02%। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 42.50% रिटर्न दिया और पिछले 1 साल का रिटर्न है 97.68%, जो कि एक शानदार रिटर्न है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस स्कीम में 500 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करके आप 8.85 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक इक्विटी सेक्टोरल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस फंड का एनएवी अभी 172.89 रुपए चल रहा है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के जरिए 100 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम का फंड साइज है 6,319 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। म्यूचुअल फंड हाउस अपनी सेवाओं के बदले आपसे जो शुल्क चार्ज करता है वह एक्सपेंस रेशियो होता है। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए महीना से एसआईपी शुरू करते हैं तो यह स्कीम आपको कितने साल में कितने रुपए दे सकती है। यहाँ पर रिटर्न जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 28% का, जो कि इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। अगर आप इस एसआईपी को 5 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 35,577 रुपए का। 30,000 रुपए आप इसके अंदर जमा करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो 65,577 रुपए की होगी। अगर आप इस एसआईपी को 10 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,67,264 रुपए का। 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो 3,27,264 रुपए की होगी। अगर आप इस एसआईपी को 15 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 12,81,524 रुपए का। 90,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो 13,71,524 रुपए की होगी। अगर आप इस एसआईपी को 20 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 54,18,642 रुपए का। 1,20,000 रुपए आप इसके अंदर जमा करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो 55,38,642 रुपए की होगी। अगर आप इस एसआईपी को 25 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2.20 करोड़ रुपए का। 1,50,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो 2.22 करोड़ रुपए की होगी। अगर आप इस एसआईपी को 30 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 8.83 करोड़ रुपए का। 1,80,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 8.85 करोड़ रुपए की होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 500 रुपए महीने से एसआईपी शुरू करके 30 साल में 1,80,000 रुपए जमा करके 8.85 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको निवेश कैसे करना है, तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक किसी ब्रोकर के थ्रू, दूसरा फंड कंपनी की वेबसाइट से और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अपस्टॉक का, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।